कितना डिस्टेंस आ रहा है? थ्री, ठीक है, ये फोर है और ये क्या है, थ्री। क्या ये 100% राइट एंगल ट्राइंगल बना? सही है बेटा। मुझे मेरा जो वेक्टर है वो बेसिकली कहाँ है, मेरा वेक्टर ये है, ठीक है, और मुझे इस वेक्टर की क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। सही है, क्या मैं यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम यूज करूंगा? सही है, यूज करूंगा, क्योंकि देखिए बेटा ये वाली साइड क्या है, फोर है, ठीक है बेटा, ये फोर है, ये फोर है, और ये क्या है बेटा, थ्री। सही है, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बेटा पैथागोरस थ्योरम जब आप यूज करेंगे तो फिर हाँ ये चीजें क्या आएंगी बेटा, ये आ जाएगा साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है मेरा जो वेक्टर है वो ए बी ये है, तो इसका मतलब है मैं इसको लूंगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएंगे, 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 5। ए बी किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। सही है बेटा, मुझे इसका मतलब है कि मेरा जो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया वो क्या बना, सही है, मैग्नीट्यूड। सही है, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, ठीक है, और अगर टू डायमेंशन है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर थ्री डायमेंशन है तो आप क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में कभी भी मैग्नीट्यूड का वर्ड नहीं लिखा हुआ था, मैग्नीट्यूड में हमेशा क्या चीज लिखी हुई आती है, देखें मैग्नीट्यूड में ये आता है मॉडुलस का साइन और ये, ठीक है, दो दंडियों के दरमियान में बीच में इस तरह से लिखा हुआ होगा, और क्वेश्चन ये लिखा हुआ होगा, फाइंड दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये याद रखना आपका काम है, जो कि जिंदगी भर भी आप लोगों को याद नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल लेंगे, और ये प्रूफ किससे हुआ, पैथागोरस थ्योरम से, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा बेटा, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, राइट, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ इफ ए इज इक्वल टू 10, 0, ठीक है, फाइंड दिस, ठीक है, हाउ कैन यू सॉल्व दिस, ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ठीक है, बिल्कुल, 10 का स्क्वायर राइट प्लस 0 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है, 10, तो ये कितना हो जाएगा, क्लियर हो गई बात, ये इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू ये लिखा हुआ है, इफ बी इज इक्वल टू, ठीक है, 12 और 5, ठीक है, फाइंड मॉडुलस ऑफ बी, क्लियर हो गई बात ये, ठीक है, मॉडुलस का मतलब ही क्या है बेटा, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो बेटा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये कितना होगा बेटा, सही है, मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, मॉडुलस इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 144 प्लस 25, व्हाट इज द आंसर, 169, और 169 का जब लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। तो ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और क्या नहीं, ये सब चीजें आपको बता दी, ठीक है बेटा, यहां से स्टार्ट हुआ है, क्या चीज है ये टॉपिक, मैग्नीट्यूड, सही है, और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मैं आपको दोबारा बता दूं कैसे होता है बेटा, ये दो लाइनों में ऐसे लिखा हुआ होगा, सही है, ठीक है, क्लियर है बेटा। अच्छा अब आगे देखें, ये सब चीजें तो आपको पता चल गई कि मैग्नीट्यूड क्या है और
पैरेलल वेक्टर क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, सही है। आइए, हेडिंग क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। देखिए बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या होता है, सही है, यानी कि किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाना, सही है। सपोज करें, लुक एट द बोर्ड, सही है, मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर ये है, राइट, ए बी, मैंने इस वेक्टर को, सही है, मल्टीप्लाई, एम क्या है, इफ एम इज अ पॉजिटिव नंबर, क्या है, इफ एम इज अ पॉजिटिव नंबर, अगर एम क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, सही है, क्या होगा, अगर मैं उस पॉजिटिव नंबर को इस ए बी से मल्टीप्लाई करूं, सही है, तो क्या होगा, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, अगर किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा डायरेक्शन क्या रहती है, डायरेक्शन इज सेम ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड जो है वो हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज, ठीक है, बात क्लियर हो रही है या नहीं, मैं आपको अभी बस बनाकर दिखा देता हूं, मैग्नीट्यूड चेंज, यहां तक क्लियर है। कैसे, अगर सपोज करें ये वाले वेक्टर की जो लेंथ है, अगर ये जो वेक्टर दिया हुआ है ये ए बी, सही है, इस ए बी की लेंथ कितनी है, मैंने कहा कि इस ए बी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इस ए बी की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मैंने एक पॉजिटिव नंबर क्या ले लिया, एम, और उस एम की वैल्यू कितनी है, 2 है, सही है, जब मैं उसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मैग्नीट्यूड की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 10, इसका मतलब है वो इतनी बड़ा, यानी कि ये हो जाएगा, हो गया या नहीं हो गया, डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर की क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, राइट। इसी तरीके से अब अगर मैं दोबारा आपसे बात करता हूं कि इफ एम इज अ नेगेटिव नंबर, इफ एम इज अ नेगेटिव नंबर, अगर एम आपका क्या हो जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, तो अब क्या होगा, ठीक है बेटा, देखिए, अगर एम आपका क्या है बेटा, नेगेटिव नंबर है, ठीक है, अगर एम इज अ नेगेटिव नंबर, ठीक है, इसको इस तरह से हाईलाइट करें, इफ एम इज अ पॉजिटिव नंबर एंड इफ एम इज अ नेगेटिव नंबर, अब क्या है, देखें, इधर एक और मैंने वैसे वेक्टर बनाया ये, ठीक है, और मैंने ये कहा कि व्हाट इज द एम, एम क्या है, ये इस वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, सपोज करें सी डी, मैंने वेक्टर लिया है, सी डी की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैंने इसको एक नेगेटिव नंबर -2 से मल्टीप्लाई करा दिया, जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, व्हाट इज द आंसर, -8, ठीक है, लेंथ या मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गई, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, हो गई डायरेक्शन चेंज, सही है। अब ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, क्लियर हो गई बात, ये आ जाएगा EF, ठीक है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब कोई ये बात कह सकते हैं कि भाई इसकी डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, इसकी वजह ये थी कि आपने इसको एक नेगेटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया था, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ, डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, डायरेक्शन जो है क्या हो जाएगी, फर्स्ट वेक्टर के अपोजिट हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, अच्छा मैग्नीट्यूड इज चेंज, क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई, ठीक है,
तो बेटा हमने क्या चीज सीखी है कि अगर किसी भी वेक्टर को आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, अब इंक्रीज भी हो सकता है। अब चेंज का मतलब क्या है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर एम आपका एक नेगेटिव नंबर है, राइट, और डायरेक्शन जो है और उसको आपने नेगेटिव और सॉरी क्या है, को एम एक नेगेटिव नंबर है, आपने उसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर के क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, लेकिन अब मैग्नीट्यूड की जहां तक की बात है वो क्या होगा, चेंज, अब वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको लास्ट अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी कि अ वेक्टर कैन बी रिटन एज, अ वेक्टर कैन बी रिटन एज कॉलम वेक्टर। एक वेक्टर को कॉलम वेक्टर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी बताया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वेक्टर है एक्स वाई, ठीक है, इस तरह से आए, अब इसको कॉलम वेक्टर्स को ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करके दिखाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं ए एस 3 4 एंड बी एस -1 2, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा पहला वेक्टर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मुझे दोनों को ऐड करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 4 प्लस -1 2, सही है। अब ऐड करने का तरीका क्या है, ऐड करने का तरीका ये है, बिल्कुल सेम है, राइट, ये ऐसे ही ऐसे सेम हो जाएगा, 3 -1 व्हाट इज द आंसर, 2, 4 प्लस 2 6, इज इट देयर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी, क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी, अब क्या हो जाएगा, 3 4 -(-1 2) व्हाट इज द आंसर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 1 इज 4, 4 -2 इज 2, यहां तक क्लियर है, ठीक है, ये तो सेकंड हो गया इसका। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये दूं, अब देखें, 2a + 3b, अब क्या है बेटा, 2a + 3b, ठीक है, 2a + 3b, अब देखो ये चीज कैसे लिखी जाएगी, 2a, व्हाट इज a, a इज गिवन 3 4 + 3, व्हाट इज b, -1 एंड 2, व्हाट इज द आंसर, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6, 2 4 = 8, फिर उसके बाद 3 1 = -3, 3 2 = 6, 6 - 3 = 3 और 8 + 6 = 14, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। एक और देखें, क्वेश्चन नंबर 4 5 देखें, 4 या 5 है जो भी है, राइट, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारा पहला वेक्टर क्या था, या मैं दूसरा बना लेता हूं, वेक्टर लिखा हुआ है 2 और 4 और वेक्टर बी लिखा हुआ है -4 एंड 8, सही है। मैं क्वेश्चन देता हूं बेटा, 1/2 of A, 1/2 of A -3/2 of B, सही है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गई बात, 1/2 of A, 1/2, A क्या लिखा हुआ है, 2 एंड 4, B क्या लिखा हुआ है, -4 एंड 8, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 1/2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, इसी तरीके से ये जो 3/2 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जब बेटा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इज द आंसर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट इज द आंसर, 1, 4 को 2 से करेंगे व्हाट इज द आंसर, 2, और फिर 2 को 2 से करेंगे व्हाट इज द आंसर, -6, फिर 2 को 8 से करेंगे 4, 4 3 = 12, सही है। अब आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लें, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 - -+6 व्हाट इज द आंसर, 7, ठीक है, और उसके बाद 2 - 2 - 12 व्हाट इज द आंसर, -10, ये आपका आंसर है, इज इट क्लियर, ठीक है, ये
अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा सा इसको खुद से सॉल्व करें बेटा, आप लोग भी जरा सॉल्व करें जल्दी से और फिर मुझे बताइएगा। सॉल्व करें बेटा जरा जल्दी जल्दी, साथ के साथ सॉल्व करना शुरू कर दें। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा ये जरा सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आ रहा है, सॉल्व करके मुझे सेंड करें जल्दी से। सर ए और बी की वैल्यू 2 4 और -4 8 है। ये लिखी हुई तो है, ए की वैल्यू लिखा हुआ है, ये लिखा ही दिया ना, ए इज इक्वल टू 3 6 एंड बी इज इक्वल टू माइनस ओके ओके सिक्स, ओके नहीं लिखा, नहीं दिया ना। ओके
लोगों ने लिख लिया बेटा, सॉल्व करके मुझे सेंड करें जल्दी से। परवा बेटा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपका गलत है, थर्ड पार्ट सही है। बेटा आ जाए जरा देख लें, यहाँ पर पार्ट बी जो है पार्ट टू सही है, मैं इसको करवा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन थ्री ऑफ ए, ए क्या लिखा हुआ है, थ्री एंड सिक्स प्लस टू अपॉन थ्री माइनस फोर एंड सिक्स, ठीक है। अच्छा अब जरा मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि वन अपॉन थ्री इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सो व्हाट इज द आंसर, इट विल बी वन। वन अपॉन थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा, व्हाट इज आंसर, टू। फिर टू अपॉन थ्री यानी कि टू अपॉन थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एट अपॉन थ्री, और टू अपॉन थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री और सिक्स कैंसिल होके क्या देंगे, फोर। ठीक है, अब आपने इन दोनों को एड करना है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, वन माइनस एट अपॉन थ्री, और फोर प्लस टू इज सिक्स, ठीक है। जब आपने यहां पर एलसीएम लिया तो ये कितना बचेगा, थ्री,
3 minus 5, what is the 8? 3 minus 8, it will be equal to minus 5 by 3, 6. और यही आपका आंसर राइट. तो इन चीजों पे जरा सा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं. बेटा आगे आ जाए. सही है. देखिए क्वेश्चन एक और भी लिखा हुआ है. लुक एट द बोर्ड. ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 0. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2a-3b और उसके ऊपर ये लिखा हुआ. ठीक है. इसका क्या मतलब है? इन दो लाइनों का. सही है. ठीक है. तो इन लोगों को नहीं पता होता यार शायद मेरा फर्क है. ये ऐसे ही है. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड. तो भैया बेटा देखो, सबसे पहले जो आप सॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे? इनसाइड द ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब इनसाइड द ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है? 2a-3b राइट. 2a का मतलब क्या हो गया? a कितना है? 1 2. b कितना है? 3 0. करें जरा इसको. तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 2 2 2 4 और 3 3 9 और 0. 2 - 9, व्हाट इज द आंसर? -7. 4 - 0 इज 4. सही है. अब बेटा इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऐसे मैग्नीट्यूड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड? कि यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब है इसकी वैल्यू निकालनी. कैसे करेंगे? -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. -7 का स्क्वायर बता दूं कि बेटा 49 होता है, नॉट -49. 49 प्लस 16, व्हाट इज द आंसर? 65. आप उसमें से ले लीजिएगा 8.1 समथिंग इसका आंसर होगा. यही इसका मैग्नीट्यूड है. ठीक है बेटा. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है वो आ रहे हैं पास्ट पेपर में. एक और दे रहा हूं, जरा सा सॉल्व करें, उसके बाद मैं फिर एडिशन ऑफ वेक्टर पे जा रहा हूं. ठीक है, जल्दी से सॉल्व करें बेटा. अब करें. सॉल्व करें बेटा, जल्दी से सॉल्व करें बेटा. सर, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? बेटा पिछले वाले में इस तरह से था ना, 8.1. कर लिया कॉपी आपने? होगा सही.
आ गया बेटा? ठीक है, मुझे सेंड कर दे, मैं देख लूंगा बेटा। अब नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है? आंसर यार है बेटा इसका 13.93। सही है, सीधा सीधा इसका हल ये था कि पहले इनसाइड द मॉडुलस आप इसको सॉल्व करें, ये मॉडुलस साइन कहलाता है। ठीक है, 0 प्लस 5 कितना हो गया? 5, और 9 प्लस 4 इज 13, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। 25 फिर उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आपका टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बेटा, टॉपिक क्या है बेटा आपका? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स में मैंने अभी आपको एक चीज ये बताई कि अगर एक वेक्टर लिखा हुआ है ए बी, सही है, ये जो पॉइंट है ये इसका क्या कहलाता है? हैट। ये इसका क्या कहलाता है? ठीक है, बंद करो सो। अब अगर तुम्हें मैंने लिखते हुए नमाज पढ़ो, लेकिन झूठ बोलना नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, पहला पहला पार्ट क्या है बेटा? पहला सपोज करें मैंने पहला वेक्टर ले लिया ए बी, सही है, मैंने एक और वेक्टर ले लिया बी सी। ठीक है, फिर उसके बाद एक और वेक्टर मैंने लिया सी। ठीक है, देखो एडिशन ऑफ वेक्टर ना दो तरीकों से होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर दो तरीकों से होता है बेटा। पहला 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 क्या है? हैड टू टेल रूल। ठीक है, और दूसरा कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ। पहले सीखो हैड टू टेल रूल, हैड टू टेल रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, देखिए बेटा यहाँ पर ऐसी कोई कहानी है ही नहीं कि सीधे तरीके से करना है या नहीं। पहला वेक्टर क्या है? ए बी। पहला वेक्टर क्या है? ए बी। ये इस वेक्टर का क्या है? टेल। ये इस वेक्टर का क्या है? मेरा दूसरा वेक्टर क्या है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है? थर्ड है। सेकंड वेक्टर क्या जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन होगी। क्या? सेकेंड वेक्टर का जो टेल है ये सेकेंड वेक्टर का क्या है? टेल है। सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन है, होगी। कर दी या क्या? ठीक है, ये हेड है और ये क्या है? टेल। बात क्लियर हो गई। अब मेरे पास एक और वेक्टर भी है, थर्ड। अब थर्ड वेक्टर का टेल क्या है? ये रहा, थर्ड वेक्टर का टेल सेकेंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन हो गई। सही है, कर दी। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। ये अब मैंने इस तरह से ऐड कर दिया, जरूरी नहीं है कि इस तरह की शेप आई है तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिए। दोबारा बता रहा हूं बेटा, सुन लें। फर्स्ट वेक्टर क्या है? ए बी। ये फर्स्ट वेक्टर का ये क्या है? हेड है, और ये क्या है? टेल है। सेकेंड वेक्टर का टेल, सेकेंड वेक्टर क्या है? ये था बी सी। सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन हुआ। इसी तरीके से थर्ड वेक्टर का टेल क्या है? टी, सॉरी सी। ठीक है, मैंने थर्ड वेक्टर के टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब मसला यह है कि इनका कोई रिजल्टेंट भी तो होगा। सही है, अब जो रिजल्टेंट है ना वो देखिएगा, ये इनका रिजल्टेंट कहलाएगा। सही है, और ये याद रखें रिजल्टेंट का ये क्या है? हेड। रिजल्टेंट का हेड लास्ट वेक्टर के हेड से मिलेगा, और रिजल्टेंट का टेल लास्ट वेक्टर के या फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिलेगा। तो ये चीजें याद रखिएगा, रिजल्टेंट का हेड, सही है, लास्ट वेक्टर के हेड से मिलेगा, और रिजल्टेंट का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिलेगा। अब आइए, अगर मैं वेक्टर्स के नाम लिखता हूं, नाम लेकर मैं ऐड कराता हूं, पहला वेक्टर क्या था? ए बी। दूसरा वेक्टर क्या था? बी सी। तीसरा वेक्टर क्या था? सी डी। ठीक
ठीक है, इन सब का जो रिजल्टेंट है वो कहां से बनेगा? इधर देखो, यहां से ए उठाओ, यहां से डी उठाओ, ये आंसर बन गया एडी, बना हुआ है ठीक एडी, सही है, रिजल्टेंट की बात हो रही है, सही है, बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? तो बेटा ये चीजें याद रखा करें कि ये चीजें कैसे आई, कैसे आपके पास फर्स्ट वेक्टर क्या है ए बी, सेकंड वेक्टर क्या है बी सी, थर्ड वेक्टर क्या है सी डी, फिर मैंने ये बात कही कि फर्स्ट जो आपका है ये लेटर इसको उठाएं और ये जो लास्ट लेटर है इसको उठाएं, ये इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ए डी होगा। पास पेपर में, जी बेटा एनी क्वेश्चन? क्लियर है, राइट। अब पास पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे